दोस्तों INS विक्रांत को इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन भारत के समुद्री इलाकों में लगातार बढ़ती चीन की घुसपैठ की वजह से अब भारत में एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल को बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सो हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं हर्षवर्धन और आपने देखना शुरू कर दिया टेक ब्यूरो। सो गाइस, प्रेजेंट में भारत के पास टोटल दो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। एक तो है हमारा स्वदेशी INS विक्रांत और दूसरा है रशियन प्लेटफॉर्म पर बनाया गया INS विक्रमादित्य। अब INS विक्रांत के इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद भारत INS विशाल को बनाने की तैयारियों में लग गया है। तो चलिए जानते हैं कि कितना खास और कितना खतरनाक होगा हमारा INS विशाल। बट वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस, बताया ये जा रहा है कि INS विक्रांत की तरह ही INS विशाल को भी कोचिन शिपयार्ड में बनाया जाएगा। अब INS विशाल जो होगा ये INS विक्रांत से ज्यादा लंबा चौड़ा और वजनी होगा। अब बताया ये जा रहा है कि INS विशाल का कुल वजन 65,000 टन होगा, वहीं पे जो हमारा INS विक्रांत है इसका कुल वजन 45,000 टन है। अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो लंबाई होगी वो 284 मीटर हो सकती है और ऊंचाई 60 मीटर हो सकती है और चौड़ाई भी 60 मीटर हो सकती है। अब INS विशाल पर एक साथ 55 फाइटर जेट्स यानी कि 55 फाइटर जेट को तैनात किया जा सकेगा और वहीं पे जो हमारा INS विक्रांत है इस पर एक साथ में 30 से 32 फाइटर जेट को तैनात किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर आप स्पीड की बात करेंगे तो INS विशाल की मैक्सिमम स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर की और इसकी जो रेंज है यानी कि जो इसकी मैक्सिमम रेंज है वो 14,000 किलोमीटर तक की है। अब वहीं पे जो हमारा INS विक्रांत है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 52 किलोमीटर पर आवर की है। अब INS विक्रांत को एक साथ में 1600 लोगों के रहने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और बताया ये जा रहा है कि INS विशाल को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि इस पे एक साथ में 2300 लोग रह सकें। अब INS विशाल पे कौन से फाइटर जेट, कौन से हेलीकॉप्टर वगैरह डिप्लॉय किए जाएंगे इस पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट आप देखोगे तो टाइम के साथ चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी। अब अगर आप INS विशाल के प्राइसिंग की बात करो कि INS विशाल को बनाने में क्या लागत लगेगी, तो देखिए बताया ये जा रहा है कि INS विशाल को बनाने के लिए 55,000 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है और वहीं पे जो हमारा INS विक्रांत है इसको बनाने के लिए हमको 20,000 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अब मई 2012 में आप देखोगे तो तब के जो नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा जी थे उन्होंने बताया था कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की स्टडी की जा रही है और तब उम्मीद ऐसी थी कि 2020 तक ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, बट कई कारणों की वजह से ये प्रोजेक्ट ना उस टाइम पे शुरू नहीं हो पाया था। बट अब ये बताया जा रहा है कि 2030 तक INS विशाल इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि बीच बीच में हमने INS विशाल और INS विक्रांत दोनों को कंपेयर किया है। अब ये हमने इस वजह से किया जिससे कि आप INS विशाल और INS विक्रांत दोनों को भी बेटर वे में समझ सको। अब आप देखोगे तो आने वाले टाइम में ना इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ सबमरीन्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली होगी, जिससे कि हम लोग अपने मैरीटाइम बाउंड्रीज को और सिक्योर कर सकें। वैसे अब आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो यार बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भाई आपको ये वीडियो क्यों नहीं पसंद आए, जिससे कि हम लोग उस पर काम कर सकें। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।